शिला, ए शिला। अरे शॉर्ट मिला तुझे? कुबे, नमस्ते। नमस्कार। वो आज मैं आपको एक न्योता देने के लिए आई थी। न्योता? हमारे घर पे आज मैंने हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम रखा है, तो आपको आना पड़ेगा हल्दी कुमकुम के लिए। अरे भाभी, आ जाओ शिला। वो मैं ना एक स्पेशल न्योता देने के लिए आई थी तुम्हारी सास को, हल्दी कुमकुम है ना, तो मैंने कहा उनको आ जाओ हल्दी कुमकुम के लिए, और तुम भी आ जाना हल्दी कुमकुम के लिए। मेरी कहाँ शादी हुई है? शादी हुई है, अभी याद भी नहीं रहता शादी हो गई। रहो देखो, मुझे गले लग गए। कभी कभी भूली जाती हूँ भाभी, माया का छोड़ के ससुराल कब घुस के आ गई। शिला संभालो अपने आप को, शादी को अभी 6 महीने हो गए हैं। 6 महीने हो या 6 साल, घर तो छूट गया ना। आजा ना हल्दी कुमकुम के लिए। अब अभी अभिजीत को भी लेके आना है क्या? ये पूरी, अरे अभिजीत के लिए नहीं होता, वो लगाएगा क्या हल्दी कुमकुम? चाकू छोड़ बेटा, प्लीज लीव ये चाकू। अगर चाकू इज घुसिंग ब्लड, ब्लड निकलिंग, चाकू इज वेरी डेंजरस। इधर देख। अरे व्हाट, लात मारूंगी, व्हाट। आ तू उठ जा बेटा, तेरी वजह से मैं भी जेल में जाऊंगी। उठ। चुड़ैला औरत, आज तेरे शैतान बच्चे ने मेरी जान ही ले ली होती। श्री आकी दादी, क्या कुछ भी बोलती हो आप, ली क्या मेरे सन ने आपकी जान? तो तू क्या लेने का इंतजार कर रही थी? महा मैनर्स ले, बहन से 2 कदम आगे है और इसके तो कदम ही नहीं है। हे, उसके 2-2 कदम है। लुक एट माय सन्स फीट। बांध के रख उसे, बांध के। अरे छोटे बच्चे मन के सच्चे होते हैं या बच्चा मन का सच्चा नहीं है? दिमाग का कच्चा है कच्चा। कहते हैं बच्चों में भगवान होते हैं, पर सभी बच्चों में भगवान नहीं होते हैं, कुछ बच्चों में शैतान भी होते हैं। एक मिनट, व्हाट यू वांट टू से? आप मेरे बच्चे को देख के ये बोल रहे हो क्या? यहाँ पे और कोई बच्चा है क्या? अथु कम विद मी, लेके जा इसको। ढोलक है जी, हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम रखा है आज मैंने, आ जाना आप हल्दी कुमकुम के लिए। क्या बात है शर्मिला जी, नहीं इतने सालों में आपने कभी मुझे याद नहीं किया कोई भी कार्यक्रम में, आज क्यों कर रही हो? आपको क्या लगता है मैं आऊंगी आपके यहाँ पे हल्दी कुमकुम के लिए? देखिए ढोलकिया जी, अभी साल गया बाद गए, अभी नया साल शुरू हो गया है, तो मैं भी ये सोच रही थी कि हम पूरी सोसाइटी की औरतें मिलके एक नई शुरुआत करते, सब झगड़े बुगड़े सब ऐसा चूल में डाल के आग लगा देते उसको, और एक नई शुरुआत करते, क्या बोलती हो आप? क्या है हम दोनों के अंदर का जो मिसअंडरस्टैंड है ना, अंडरस्टैंड तेज़ते हम दोनों के अंदर की जो वो है ना, वो दूर हो जानी चाहिए, कोई भी झगड़ा वगैरह रहना ही नहीं चाहिए। वैसे भी हम लड़ते किसके लिए थे? कचरे के लिए। अब वो सॉल्व हो गया ना, तो कचरा गया गुस्सा गया, ऐसा करके आ जाना हल्दी कुमकुम के लिए। क्या चल चल, बहुत बोल रहा है, आएगी मैं हल्दी कुमकुम के लिए, जाओ याद से आ जाना। पर का हेलो शशी बहन, हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम रखा है, आ जाना जल्दी, शाम को रखा है, देखो अभी शाम तो हो ही रही है, मैं जा रही हूँ, आ जाना आप। पता नहीं कौन से मुहूर्त पे जन्माई ये बाप, मेरे ही सिर पे फुटता यार। और तो बताती होंगी, इतना क्यों उतावली हो रही है? जरा कम कर अपना उतावले पर ना, जब देखो तक ऐसी कौन सी चाबी लगती है तुझे जो अनलिमिटेड चलती रहती है, अनलिमिटेड औरत। आओ क्या शर्मिला बहन, आई आई शशी बहन, क्या बात है, सबसे पहले आप ही आई हो। मैं ऐसी ही हूँ, बचपन से मेरा ऐसा ही है। माँ कहती रहती थी कि 6 महीने में ही मैं बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। कहाँ से? माँ के पेट से। फिर डॉक्टर ने बड़ी कोशिश करके मुझे रोक दिया, फिर बाद में सीधा 9 महीने 9 दिन के बाद पैदा हुई, और तब से ऐसी हूँ। अब नॉर्मल शर्मिला हूँ क्या? माता नहीं, तुझको न्योता भेजा था ना मेरी बहू ने हल्दी कुमकुम के कार्यक्रम के लिए आने का, तो ये क्या चीजें आउट किया? अरे आने के लिए तो तुझे बुलाया है, नहीं तो क्यों बुलाते? वैसे भी तू बिन बुलाए मेहमान 24 घंटे हमारे घर पर पड़ी रहती है।
क्या बात कर रहे हैं ऐसे? ये तुम्ही से बात करने की है? बैठो ना सुमित्रा, बैठो। घर में हल्दी कुमकुम के लिए आई हूँ मैं, सुहागन हो ऐसे बात करता है कोई? हाय दया। आई आई सुगंधा जी, ठंड लग रही थी क्या जो इतना लेट पधारी हो? ठंड है? अरे हमरे यहाँ पे आओ फिर दिखाते हैं आपको ठंड का होती है। ऐसा बदन में कुड़कुड़ 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 भर जाएगा ना आपका, घर से बाहर निकलने की इच्छा नहीं होगी। उनको ना इसी की वजह से मैं कहीं लेके नहीं जाती। ये क्या क्या ये क्या करने की जरूरत है? मेरा जहां तहां नाक काटती थी, मैं ठहरी ब्रांडेड, मैं कभी ऐसे 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 करती हूँ? क्या जरूरत है ऐसा ऐसा करने की? मामी आओ, आओ शीला डॉक्टर। नमस्कार। आई आई नमस्ते। इधर बैठी बैठी। आई आई नमस्ते। नमस्ते। सास बहू अलग अलग आई है, पहले बहू आई फिर सास आई, बर्तन से बर्तन टकरा रहे लगते। नमस्ते शर्मिला बहन। अकुपी ढोलकिया जी। ओ तेरे ढोलकिया जी, हल्दी कुमकुम के लिए आये वो भी शर्मिला के घर? वही तो। शर्मिला क्या लड़ती थी, पूरी सोसाइटी में इन दोनों की आवाज गूंजती थी ऐसे। बिल्कुल नहीं जमती थी, फिर कैसे जमने लगी? पहले तो कभी नहीं बुलाती थी ढोलकिया जी को, हमने भी हमारे कार्यक्रम में कभी उसको नहीं बुलाया। अभी दोनों के बीच में क्या सुलह हो गई क्या? लगता तो है नहीं, ये देख के तो लगता है सुलह हो गई है। मैं तो क्यों आती ढोलकिया जी, क्यों आती ढोलकिया जी आप ही बताइए। हमने कभी उसको किसी किसी भी फंक्शन में नहीं बुलाया, अभी शर्मिला ने हल्दी कुमकुम में बुला दिया, इसका क्या अर्थ है? सुलह हो गई? हमको तो शर्मिला बहन एकदम सीधी सादी दिखती है, पर सीधी सादी नहीं हो। जिसके घर में आए उसकी तो बुराई कम से कम मत करो। बैठे ना, बैठने का छोड़ो, जल्दी से लगाओ, जाने दो, बहुत सारे काम है घर पे, बाकी उनके जैसा फ्री नहीं हूँ मैं। छबर भाई आपको मैं सबसे पहले फ्री कर देती हूँ, बस एक मिनट। हाँ गया, सिल्वर का डिब्बा? सिल्वर तो नहीं, इतना तो ब्रांडर थी। हाथियों चलो अभी शुरुआत करते हैं। सर माफ, सबसे पहले आपसे हाँ गुड़ के हाँ गुड़ गुड़ बोला। स्टील का डिब्बा है शायद, स्टील का। मुझे कब मिलेगा? सची बहन यहाँ पे हल्दी कुमकुम सबसे पहले यहाँ पे आई हूँ। ये हाँ अच्छा है। अरे शकी दादी जी लीजिए हल्दी कुमकुम, बेटा खा सकती हूँ आप ये। और ये किसका डिब्बा है? सिल्वर डिब्बा है क्या? सिल्वर का कोटिंग है। सुमित्रा वो डिब्बा दोनों डिब्बा देखने दो कैसे, ये लो। अरे ये तो प्लास्टिक प्लास्टिक का डिब्बा। शीला भाई तेरे लिए तो आज की संक्रांति एकदम स्पेशल है, शादी के बाद से पहली है ना, तो ये हल्दी कुमकुम के कार्यक्रम में अभी क्या करेंगे हम, मंगलसूत्र ऐसा ऊपर कर। अभी जो इतने दिनों से तू उल्टा पहन रही थी ना उसको सीधा कर दे। अच्छा आप सीधा करो क्या? अभी मैंने हल्दी कुमकुम लगा दिया, आप सीधा करो उसको। और तिल गुड़ घे गोड़ गोड़ बोल। भाभी को बोलो मुझे नहीं आपको ज्यादा जरूरत है गोड़ बोलने की। शीला पैर भी पड़ना होता है तो छुट्टी है। अच्छा सॉरी मैं भूल गई थी। अपनी ननद को यह आशीर्वाद भी देना कि जल्दी उसकी सास दादी बन जाए। क्या हो रहा है? पहले बैठ का चिरगुड़।
ओह क्या बात है, फरमाइश रख दी सासू माँ ने शीला। ठीक है मैं आती हूँ। चलो शर्मिला जी आती हूँ, आती हूँ। अच्छा शर्मिला बहुत देर हो गया, चलते हैं। अभी हल्दी कुमकुम का फंक्शन हो गया, ये प्लास्टिक मिल गया, डिब्बा मिल गया। अच्छा अभी निकलते हैं हम। अरे कहाँ जा रही हो? मेरी बहन केसर का दूध बना रही है सबके लिए, पी के जाना पड़ेगा केसर का दूध। इशारा क्या कर रही हो, पियोगी ना? उन दोनों की शक्लें देख के लगता है क्या वो बिना दूध पिए यहाँ से जाएंगी? अगर दूध नहीं पिया ना उन्होंने, सारा दूध फट जाएगा उनकी हाई की वजह से। अनुष्का बोलो। श्रेया तुम्हें पता है आज हमारे घर पे हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम हुआ? हाँ मम्मी ने बताया तुम्हारे घर पे हल्दी कुमकुम हुआ। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया था। क्या? हम भी करते ना अपने घर घर में। ओह यस, इट्स वेरी अमेजिंग आइडिया श्रेया। श्रेया अनुष्का तुम क्या घर घर खेलने वाले हो क्या? हाँ हम खेल रहे, पर इस बार तुम नहीं खेल सकते। क्यों? अगर तुम्हें खेलना है तो एक चीज करनी पड़ेगी। बताओ मुझे, मैं करूंगा। मुझे पता है तुम नहीं करोगे। श्रेया बताओ ना, मैं जरूर करूंगा। नहीं करोगे। श्रेया डोंट अंडरएस्टिमेट मी। ठीक है मुझे प्रॉमिस दो, अगर मैंने तुमको बताया तो तुम वो चीज करोगे। हाँ प्रॉमिस। देखो तुम्हें करना कुछ यूं पड़ेगा कि अभी बता दिया मैंने और प्रॉमिस के मुताबिक तुम्हें ये करना पड़ेगा। अनुष्का तुम तैयार होके आओ। यस मैं अभी तैयार होके आती हूँ। मिलते हैं हल्दी कुमकुम में। शामिया जी आओ क्या? आ जाओ आ जाओ। सुमित्रा जी बैठो यहाँ पे, अभी मैं आपको लगा देती हूँ हल्दी कुमकुम। हाँ शर्मिला जी शशि बहन नहीं नजर आ रहे, पता नहीं आती होंगी शायद। केम चो शर्मिला बहन, ए हंसो मत यार, फिर मेरा मूड चला जाता है खेलने का। सॉरी सॉरी आ गए आ गए, बैठिए ना बैठिए, हल्दी कुमकुम करते। ये लो। सचमुच नहीं लगाते हैं, अगर मम्मी ने देख लिया तो बहुत डांटेंगी। हाँ ओके। ये लो प्लास्टिक, आपसे यही उम्मीद। क्या बात है शशि बहन, आप तो बड़ी खूबसूरत। रे यार आजो मत ना, मैं नहीं खेल रहा फिर। सॉरी सॉरी। बड़ी भारी साड़ी थी, अब जरा अच्छा लग रहा है। अच्छे से हो गया सब हल्दी कुमकुम का प्रोग्राम। श्रेया ए पुरी, श्रेया क्या चल रहा है? वो हम हल्दी कुमकुम खेल रहे हो लगता है घर घर में। हाँ सब पता है मुझे तुम लोगों के खेल। ये बनी होगी सुमित्रा, तुम बनी होगी मैं। ये कौन है? मीनल है वो। मीनल? मीनल? मीनल तो कभी आती नहीं हमारे घर। हाँ वो खेलने के लिए आए। अच्छा मीनल बस खेलने के लिए मत आया करो, कभी स्टडी के लिए भी आया करो। हाँ वो काम आएगा, ये नहीं काम आएगा। शर्मिला अरे साड़ी उतार दे। हाँ अभी हो गया ना हल्दी कुमकुम, सब और आके चली गई, बाकी बच्चे वो बाद में आएंगे। अनुष्का मेरी चुंदरी क्यों ली है तुमने? श्रेया क्या चल रहा है, कौन सा खेल खेल रहे हो? हल्दी कुमकुम का खेल। वो कौन है? मीनल है। मीनल विकास, ए विकास कहाँ गया है छोकरा? विकास हेलो सुमित्रा बहन। हेलो शशि बहन आई है। ए लड़की हो, विकास को कहीं देखा क्या? हाँ नहीं वो तो मिला ही नहीं हमको, उसको ढूंढ रहे थे हम पर नहीं मिला। वो कौन है? बाबू विकास। मीन मीन मीनल है। मी मी मीनल है। मुझे ऐसा लगता है चुंदरी के पीछे मीनल नहीं आपका बेटा है। मीनल क्या हुआ आंटी? मैं भी तो जरा देखो तुम्हारी नई दोस्त की शक्ल। यही पे आ रही है। अच्छा खासा जापान गई थी, वहां से भगा दिया, वहां पे मेरे साथ फ्रॉड हो गया।
शादी में मेरे साथ फ्रॉड हो गया। ऐसी जिंदगी भगवान क्यों दे मुझे आपने? हर जगह मेरे साथ फ्रॉड होता है और गलती कुछ भी नहीं मेरी गलती, बस कभी कभी झूठ बोल देती हूँ और फंस जाती हूँ। झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, पर अभी जब मैं फंस गई हूँ यहाँ पे, यहाँ से बाहर कैसे निकले समझ में ही नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है आगे खाई पीछे कुआ। क्या हुआ? बोलो ना शीला, क्या हुआ? तुम जान के क्या करोगे? ठीक है, मत बताओ। रुको, बोलो। वो अभी हल्दी कुमकुम के लिए गई थी ना मैं। अरे मंगलसूत्र सीधा कर दिया? इसका छोड़ो, मेरी जिंदगी के साथ जो उल्टा सीधा हो गया ना उसका देखो। बोलो। मैं बोल रही थी वहाँ पे सब औरतों के बीच। क्या? भाभी ने मुझे हल्दी कुमकुम लगाया, मैं भाभी के पैर पड़ने गई, भाभी आशीर्वाद दे रही थी। आसुमा बोलती है, अरे इतना सस्पेंस तो टीवी सीरियल में नहीं होता जितना तुम बोलने में दिखा रही हो। अपनी ननद को आशीर्वाद दो कि जल्दी मैं दादी बन जाऊं। वाह, क्या हंस क्या रहे हो? हंस क्या रहे हो? तुम्हें तो हंसी आएगी ना, तुम्हें तो हंसी आएगी, तुम्हें क्या फर्क पड़ना है बेशरम कहीं के। शीला, माँ ने मजाक मजाक में भूल दिया होगा, तुम इतना सीरियसली क्यों ले रही हो इसको? कुछ मजाक में नहीं था, वो सीरियसली ही बोल रही थी। ये देखो अभिजीत, मुझे अब बहुत डर लगने लगा है, मुझे नहीं लगता मैं इस घर में टिक पाऊंगी, हमें जल्दी से कुछ डाइवोर्स का सोचना पड़ेगा। मत करो, मैं जापान से वापस क्यों आई हूँ बस तुम्हें पता है, मेरे साथ फ्रॉड हो गया था इसलिए वापस आ गई, नहीं तो नहीं आती। अभी सबको यही लग रहा है मैं तुम्हारे लिए वापस आई हूँ, पर ऐसा नहीं है, हमारे बीच में कुछ नहीं था और कभी कुछ होगा भी नहीं। जल्दी से डाइवोर्स का प्लान करते हैं और अलग हो जाते हैं, फिर सारा टेंशन ही खत्म।